Hey, what's up, guys? We are back with a new video. This is Shivam. This is Neha, and you're watching Beat Blaster. उससे पहले गाइस हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत 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 सारे कि आप लोग हैं जो है एमसी स्टैन के नाम पे वीडियो बना रहे हो लेकिन आप जो है वोट नहीं कर रहे। सो गाइस हम भी वोट कर रहे हैं, डोंट वरी, और टेंशन मत लो। और भाई मैं एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जितना सपोर्ट एमसी स्टैन को है भाई, मेरे ख्याल से उतना किसी और को भी नहीं है भाई। पंजाबी इंडस्ट्री के जो सिंगर्स हैं भाई, आप सभी को पता है, चाहे करण ओजला हो गया, फिर चाहे वो कृष्णा हो गया, हनी सिंह हो गया, भाई हर एक बंदा एमसी स्टैन को वोट और सपोर्ट करने के लिए कह रहा है। भाई सोच लो, एमसी स्टैन के पास सपोर्ट है भाई, इतना सपोर्ट है कि मैं तो कह रहा हूँ कि इतना सपोर्ट है जितना बाकी होगा टोटल मिला के भी नहीं होगा। बट आप एक बात ये रख लो साइड में कि गाइस मतलब विनर बन सकता है एमसी स्टैन, बट बाय चांस पक्का नहीं है, वो आपको पता है रीजन। वो चाहे आप पूरा हैक ही कर दो, पूरा वर्जन हैंग हो जाए वोट का, वोटिंग का, बट पता ही आपको कि प्रियंका ही होगी विनर, चाहे मेरे जहां तक गैस है प्रियंका या शिव या फिर एमसी स्टैन को सेकंड बना देंगे। हम सब चाहते हैं कि एमसी स्टैन हर एक बंदा चाहे, वो भाई वो डिजर्व भी करता है, और दूसरी बात ये है कि डिजर्व तो चलो करता है वो, दूसरी बात अगर आप ये वोटिंग पे डिपेंड करते हो, आप वोटिंग क्यों करवाते हो? पहली बात तो ये कलर्स वालों को, अगर वोटिंग पे आपको अपनी मर्जी से बनाना तो आप बना दो, आप वोट्स के लिए कहो ना। अगर आप वोटिंग करवा रहे हो फिर वोटिंग नहीं देख रहे हो। और कल मैंने एक वीडियो देखी, मेरे को फिर वहीं से डाउट हो गया भाई कि रूबीना दिलेक थी जो लास्ट बिग बॉस 15 की वो थी, 15 की या 14 की, 15 वो हुआ था OTT है ना, हाँ 14 की विनर थी रुबीना दिलेक, तो उसने ये बात कह रही थी। मैंने मेरे को कल एक वीडियो देखी थी, उसको किसी ने पूछा था इंटरव्यू में कि आप मतलब कि क्या होता है कि वो भी कलर्स का फेस ही थी है ना, कलर्स पे उसके सीरियल वगैरह आते थे, तो वो तो उस टाइम उसके कॉम्पिटिशन में कौन था, राहुल वैद्य है ना, उसका तो ठीक ठाक था सब कुछ है ना। और दूसरी बात यह कि उसको ये चीज़ पूछी कि मतलब कि बिग बॉस का ही जिताते हैं, मतलब कलर्स के फेस को ही जिताते हैं हमेशा, आपको ऐसा लगता है? वो कहती है ऑब्वियस बात है, वो तो करेंगे ही करेंगे। उसने ये बात कह दी भाई, फिर तो मैं कहा प्रियंका ही है भाई, और आपके सामने जो भी कंटेस्टेंट निकल के गया वो बस यही कह रहा है कि प्रियंका जीतेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अंदर क्या हो रहा है या जो भी स्क्रिप्टेड होगा या नहीं होगा वो चीज़ें इनको पता लगेंगी। तो बाकी हमारी तरफ से यही है। और दूसरी बात ये कि वोट्स की बात करें तो हमें देखते हैं एमसी स्टैन की भाई फैन फॉलोइंग, जो हमें देख रहे हैं तो मतलब कि 110% है एमसी स्टैन को वो वोट कर ही रहा है। और बाकी दोबारा से हम कह देते हैं कि भाई एमसी स्टैन को जी भर के वोट करो, जितना हो सकता है उतना ही ज़्यादा करो, बट देखते हैं अब क्या होता है। वैसे तो इतना बोलने की जरूरत नहीं है वोट्स के लिए, वैसे ही वोट्स बहुत ज़्यादा एमसी स्टैन के लिए, बट अब पता नहीं क्या रहता है भाई। चार के तीन दिन रह गया, 9th हो गया, 3-12 को फिनाले है भाई, पता नहीं क्या होगा, टेंशन नहीं है। सो बाकी इसको प्ले करते हैं, और वीडियो आज की होने वाली है कि सभी कंटेस्टेंट की हैरान कर देने वाली सच्चाई। क्या सच्चाई है भाई इनकी, काली सच्चाई। सो इसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिग बॉस 16 के सभी कंटेस्टेंट की असली सच्चाई। आइए एक एक करके जानते हैं आपके फेवरेट कंटेस्टेंट के बारे में। अर्चना गौतम, अर्चना गौतम मेरठ की रहने वाली हैं। इन्होंने वहीं से IIMT से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद इन्होंने 2015 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इनकी पहली फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती थी जो की सफल रही। अर्चना की उम्र अभी 27 साल है, वो एक फेमस मॉडल और बिकनी मॉडल है। इन्होंने साल 2018 में मिस बिकनी इंडिया का खिताब अपने नाम किया था। अपने आप को पॉलिटिशियन बताने वाली अर्चना को जब साल 2022 में विधानसभा चुनाव में मेरठ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिला था, तब उनकी बहुत बुरी हार हुई थी। इस चुनाव में इन्हें केवल 1500 वोट ही मिले थे। सुनने में आया है कि अर्चना को आगे टिकट मिलना भी मुश्किल है। अर्चना अपनी लव लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही है। शो में उन्होंने सलमान खान को बताया था कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड को उनसे नहीं बल्कि उनके पैसों से प्यार था, इसलिए अब वह कोई अफेयर नहीं बल्कि सीधे शादी करेंगी। शायद बिग बॉस में उन्हें अपना जीवन साथी मिल जाए। अर्चना गौतम ने साउथ इंडस्ट्री में भी काम किया है। उन्होंने तेलुगु फिल्म IPL, इट्स प्योर लव और तमिल फिल्म गुंडास में काम किया है। अर्चना गौतम ने मिस उत्तर प्रदेश का टाइटल भी जीता है। बात करते हैं एमसी स्टैन की। पुणे महाराष्ट्र में जन्मे एमसी स्टैन की उम्र अभी 23 साल है। इन्होंने अपने अलग तरह के रैप सॉन्ग से इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़ी पहचान बनाई है। वैसे तो एमसी स्टैन कई कंट्रोवर्सीज में फंस चुके हैं, लेकिन वो बड़ी प्रॉब्लम में तब फंस गए थे जब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने पुलिस और मीडिया को ये बताया था कि एमसी स्टैन ने मुझे बहुत मारा है। हालांकि एमसी स्टैन के मैनेजर ने इसे झूठा आरोप बताया। इसके अलावा एक मॉडल ने भी एमसी स्टैन पर गंदे मैसेजेस भेजने का आरोप लगाया था। सौंदर्या शर्मा,
सौंदर्य शर्मा का जन्म 20 सितंबर 1994 को दिल्ली में हुआ था। एक्ट्रेस 28 साल की हो चुकी हैं। सौंदर्य मॉडल और एक्ट्रेस होने के साथ एक डेंटिस्ट भी हैं। एक्ट्रेस का बचपन दिल्ली में ही बीता और इसके बाद इन्होंने दिल्ली के ही कुछ अस्पताल में प्रैक्टिस भी किया। हालांकि सौंदर्य की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, शायद इसलिए उनकी किस्मत उन्हें दिल्ली से मुंबई खींच ले आई और यहां इन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। सौंदर्य ने NSD यानी नेशनल ड्रामा ऑफ स्कूल से एक्टिंग की शिक्षा ली है। एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत में काफी मेहनत की है। इन्होंने फिल्मों से लेकर वेब सीरीज में काम किया है। सौंदर्य शर्मा 2020 में आई वेब सीरीज रक्तांचल में दिखाई दी थी। इस फिल्म में सौंदर्य लीड रोल में थी। इसके बाद एक्ट्रेस रांची डायरीज में भी दिखाई थी। इसके लिए इन्हें बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड भी मिला था। सौंदर्य कई कवर पेज में बतौर मॉडल भी दिखाई दी थी। बॉलीवुड के OTT के अलावा सौंदर्य ने फिल्म वंडर वुमेन 1984 के लिए भी ऑडिशन दिया था, जो कि हॉलीवुड फिल्म है। हालांकि इस ऑडिशन में उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। सौंदर्य मस्टर्ड एंड रेड नाम का प्रोडक्शन हाउस भी चलाती हैं। इसके अलावा सौंदर्य एक 40 लाख की रिंग भी पहनी हुई है, जिसे वो बताती है कि उसके अंकल ने गिफ्ट की है। उनके इस रिंग पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। प्रियंका चाहर चौधरी मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्मी। प्रियंका की उम्र अभी 26 साल है। प्रियंका एक फेमस TV एक्ट्रेस है और वो सबसे ज्यादा उनके TV शो उड़ारियां के लिए जानी जाती हैं। प्रियंका के बिग बॉस 16 में आने के बाद इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें ये बोला जा रहा था कि प्रियंका का MMS वायरल हुआ है। लेकिन जब लोगों ने इसके बारे में पता किया तो पाया कि उनका कोई MMS वायरल नहीं हुआ। दरअसल प्रियंका ने OTT प्लेटफॉर्म उल्लू के लिए एक वेब सीरीज किया था, जिसका नाम था 3G गाली गलौच गर्ल्स। यह एक एडल्ट वेब सीरीज है जिसमें इन्होंने हॉट सीन दिए थे और यह सीन उसी वेब सीरीज का है। टीना दत्ता कोलकाता पश्चिम बंगाल में जन्मी। टीना की उम्र अभी 31 साल है। टीना को TV इंडस्ट्री में सबसे बड़ी पहचान उनके शो उतरन से मिले। टीना की कंट्रोवर्सी बिग बॉस के ही कंटेस्टेंट और उनकी पुरानी फ्रेंड श्रीजीता से रही। एक एपिसोड में श्रीजीता बताती नजर आती थी कि टीना एक बड़ी गोल्ड डिगर है, वो अमीर लोगों को ज्यादा पसंद करती हैं। पर्सनल लाइफ में भी टीना प्रोड्यूसर महेश कुमार जायसवाल और बिजनेसमैन परेश मेहता के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हैं। टीना को इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बदनामी तब मिली थी जब इन्होंने न्यूड और सेमी न्यूड फोटो शूट करवाया था। शिव ठाकरे अमरावती महाराष्ट्र में जन्मे शिव की उम्र अभी 33 साल है। शिव बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं और बिग बॉस तक का सफर इन्होंने काफी मेहनत करके और अपने दम पर तय किया है। शिव बिग बॉस मराठी के विनर भी रहे हैं। बिग बॉस मराठी में शिव एक टास्क के दौरान आरो नाम के कंटेस्टेंट के हाथ में अपने दांत से काट लिया था। ये बिग बॉस के नियमों के खिलाफ था, लेकिन जब आरो से शिव ने माफी मांगी तो उन्होंने शिव को माफ कर दिया, इसलिए शिव को घर से नहीं निकाला गया था। शालिन भनोट जबलपुर मध्य प्रदेश में जन्मी। शालिन का उम्र अभी 39 साल है और 2004 में MTV रोडीज से अपना TV करियर शुरू करने वाले शालिन ने बहुत सारे TV शोज किए हैं और इसलिए वो TV पर काफी फेमस हैं। अपने साथ काम करने वाली एक्ट्रेस दलजीत कौर से शालिन को प्यार हो गया था, इसलिए साल 2009 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ साल के बाद दोनों का रिश्ता खराब होता चला गया और साल 2015 में दोनों का तलाक हो गया। दलजीत ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया था कि शालिन उन्हें मारा पीटा करते थे और बहुत तरह की घरेलू हिंसा का वो शिकार रही हैं। अब्दू रोजेक तजाकिस्तान में जन्मे अब्दू की उम्र अभी 19 साल है। अब्दू बहुत छोटे थे तभी उन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे उनकी शारीरिक ग्रोथ रुक गई। इन्होंने अपने गाँव के बाजार से सिंगिंग स्टार्ट की और धीरे धीरे वो एक इंटरनेशनल स्टार बन गए। उनके स्टार बनने तक का सफर काफी संघर्ष भरा रहा। हाल ही में अब्दू का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। शायद ये वीडियो तब का है जब वो अपने गांव में सिंगिंग किया करते थे। ये कोई काली सच्चाई नहीं है, लेकिन लोग इस वीडियो को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि अब्दू कहां से कहां आ गए। अब बात करते हैं सबसे बड़े कंट्रोवर्सी इंसान की, जिनका नाम है साजिद खान। मुंबई महाराष्ट्र में जन्मे साजिद खान की उम्र अभी 53 साल है। वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक जाने माने डायरेक्टर हैं। साल 2018 में जब मीटू कैंपेन चल रहा था तो उन पर एक दो नहीं बल्कि 9 मॉडल्स और एक्ट्रेसेस ने गलत ढंग से छूने, छेड़छाड़ करने, अश्लील बातें करने और शोषण करने के आरोप लगाए हैं। आरोप लगाने वालों में सलोनी चोपड़ा, रिचल वाइट, मंदना करीमी, सरलिन चोपड़ा जैसे फेमस नाम शामिल हैं। इन आरोपों के बाद साजिद खान का करियर पूरी तरह से डूब गया है। तो ये हैं दोस्तों बिग बॉस 16 के 9 कंटेस्टेंट की सच्चाई। सच्चाई
ये तो भाई। उनका ये बताया था कि वो कैसे कैसे हैं, क्या करते हैं क्या करते हैं, पर हैरान कर देने वाली सच्चाई कोई नहीं थी इसमें। तो सबसे हमने भी ज्यादा टाइटल देख के वीडियो निकाल ली भाई। यस तो बाकी यही थी वीडियो, और इसमें यही बताया गया था बस, जो भी ये काम करते हैं क्या है, कहाँ से बैकअप है, कहाँ उम्र से उठे कितनी हैं, है, उम्र कितनी है, यस ये वो सब कुछ। बाकी यही थी वीडियो, होप सबको पसंद आई होगी वीडियो। ऐसी वीडियो और सजेस्ट करें, बस अब 3 दिन का वेट है कि कब 3 दिन के बाद खुलासा होगा भाई। और ऊपर से ये बात है कि भाई विनर अनाउंस होता है 12:30-1 बजे तक, मेरे को नींद आई थी 9:30 बजे। और लास्ट टाइम भी मैं ये देखने के लिए भाई इतना तरसा ना, 5-10-10 मिनट सो सो के बड़े मुश्किल से। तो देखेंगे भाई कि क्या प्लान रहता है, कैसे होता है उस दिन, देखना तो है ही है भाई लाइव। और कोशिश करूंगे रिएक्शन भी करूं लाइव या समथिंग कुछ करेंगे। सो बाकी फिलहाल स्टूडियो ना गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।